हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं बोल बोल के बोर हो चुका हूँ, आप भी सुन सुन के बोर हो चुके होंगे कि इसका नाम हमने क्यों रख दिया ये भारत एक मौज, जबकि हमें पता है कि यहाँ पे मौजों का क्या डिक्लाइन होता चला जा रहा है, और या फिर आप कह सकते हो कि उत्थान होता चला जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन विच वे यू आर लुकिंग एट इट। बट मेरा काम है कि ढेर में से ढूंढ ढूंढ के दो चार चुनिंदा मौज आपके पास लेके आ जाऊँ, और ये है आज की पेशकश। भारत के सर्वोच्च प्रदेश, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे भारत का सर्वोच्च प्रदेश कौन सा है। जी हाँ, आपका अपना उत्तर प्रदेश। उस प्रदेश में वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके ऑफिस से ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि पिछले 4 साल में उन्होंने युवाओं को 4 लाख नौकरियां दी हैं। 4 लाख, मतलब समझते हो आप, उत्तर प्रदेश में 4 लाख नौकरियां। और उसके एग्जाम्पल में उन्होंने दिखाया कि एक दुर्गेश चौधरी जी है, उनकी लेखपाल की नियुक्ति हुई है पूर्ण पारदर्शिता के साथ। उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण पारदर्शिता होती है, भाई साहब क्या बातें कर रहे हो आप। दुर्गेश चौधरी की नियुक्ति हुई लेखपाल के तौर पे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लोगों ने पकड़ लिया कि लेखपाल की आखिरी नियुक्ति तो 2015 में हुई थी, तो इनकी नौकरी कब लग गई। अब यह है, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में जो है पिछले 4 साल में, मैं कह रहा हूं 4 लाख नहीं 40 लाख नौकरियां दी होंगी आपने, लेकिन डिपार्टमेंट गलत बता दिया आपने। आपने नौकरियां दी हैं गौरक्षा डिपार्टमेंट में, तो बेशुमार गौरक्षक नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनके उदाहरण दो यार, ये झूठ क्यों बोल रहे हो, पकड़ा जा रहा है। आजकल दुनिया बहुत चालू हो चुकी है, ट्विटर पे पुराना डेटा ढूंढ के निकाल के लेके आ जाते हैं, फिर आपको ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। लेकिन ये तो मैं खुद भोग चुका हूं, डिजिटल वर्ल्ड में ना कुछ भी डिलीट नहीं होता है, तो निकल के सामने आ गया। तो आप नया ट्वीट डालें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में हमने भारी मात्रा में गौरक्षकों की नियुक्ति करिए और युवाओं को नया रोजगार दिया है, यह होना चाहिए आपका ट्वीट। भारत की राजनीति में अगर आपको घुसना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम का जो पहला स्टेप है वो है कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आप अपने ओपोनेंट से ज्यादा अच्छे हिंदू हो। चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, सब इसी चक्कर में लगे हुए, इसी दौड़ में लगे हुए कि यह साबित कर दें पब्लिक को कि वो ज्यादा अच्छे हिंदू हैं। केजरीवाल जी को देख लो, उन्होंने बोला है कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो दिल्ली के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मैं फ्री में वहां पे पिकनिक कराने लेके जाऊंगा, उनको लेके जाऊंगा वहां पे उनके दर्शन कराने के लिए भगवान राम के। ममता बनर्जी वहां पे शोर मचा रही है कि मुझे मत सिखाओ हिंदू क्या होता है, मैं ब्राह्मण हूं, उन्होंने भी वहां पे वो परचम लहराना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब रेस में ये छोटे खिलाड़ी हैं, इस रेस में सबसे आगे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इसका सबूत, मतलब आप मेरी बात पे यकीन मत करो, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ऑफिस लेते ही अपना जो ऑफिस का लॉन्चिंग किया उसमें, मतलब ये बोला है, मतलब ऑफिस की लॉन्चिंग में नहीं किसी और फंक्शन में, लेकिन अपने ऑफिस का जो करियर है वो इस तरह से स्टार्ट किया ये बोल के जैसे भगवान राम की पूजा होती है आज, आने वाले फ्यूचर में नरेंद्र मोदी जी की भी पूजा होगी, इनको फ्यूचर दिख गया है, अब पूजा होगी भगवान राम के जैसी होगी ये तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा, अभी से तो मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, जैसे काम है होगी तो सही, मुझे तो ये लगता है भैया, मेरी बात को गलत मत ले लेना। लेकिन जो ये सीएम साहब है इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात करी, इन्होंने बोला कि पहले जब इंडिया के हेड ऑफ स्टेट होते थे, जब वो इंडिया से बाहर जाते थे बेचारे मारे मारे फिरते थे, कोई उनको घास नहीं डालता था, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे, इतने सालों से किसी हेड ऑफ स्टेट को किसी ने कोई घास नहीं डाली, हालांकि इतने सारे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं बीबीसी पे इंदिरा गांधी के और मुरारजी देसाई जी का तक का इंटरव्यू, लाल बहादुर शास्त्री के इंटरव्यू, जवाहरलाल नेहरू के तो हजारों इंटरव्यू पड़े हुए हैं, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट और इतनी सारी मूवमेंट्स में हमारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ फोटो है हमारे लीडर्स के और तस्वीरें हैं, इंटरव्यूज हैं, वो छोड़ो, उन्होंने कहा पहले कोई घास नहीं डालता था, अब जब से मोदी जी आए हैं दुनिया भर के लीडर्स जो है ना उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते रहते हैं कि मोदी जी के साथ फोटो होनी चाहिए। बात बिल्कुल जो है जायज़ भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि फोटो खिंचाने में आप अगर फोटो खिंचाना चाहोगे किसी के साथ तो किसी ऐसे बंदे के साथ खिंचाना चाहोगे ना जिसने फोटो खिंचाने में खूब प्रैक्टिस करी हो, जिसको पता हो कैसे पोज करना है, किस तरफ कैमरा है, कैसे देखना है, कैसे अपनी माथे में सरवटे लेके आनी, कैसे भौहें उठानी, कैसे झुकानी है, कैसे साइड से लोगों को हटाना है ताकि उनकी फोटो ठीक से आ जाए। यू वॉन्ट टू बी फोटोग्राफ विद सच एन इंडिविजुअल हु इज एन एक्सपर्ट कि कैसे मैं हटा के सबको अपनी फोटो खिंचा लूं, और मेरे साथ कोई क्यों फोटो खिंचाएगा, मेरे को पता ही नहीं है कि कहां पे कैमरा है, किधर शक्ल है, किधर कौन सी भौहें उठानी है, कैसे बाल मेरे को बना के रखने, तो उनके साथ फोटो खिंचाना लाजमी है। और देखो ये आदमी जो है इतना एक्सपर्ट है, चाहे देश हो या देश के बाहर हो, हजारों तस्वीरें इनकी हजारों हजारों जगहों पे हजारों हजारों लोगों के साथ इन्होंने तस्वीरें खिंचाई हैं,
तो ये एक लाजमी सी बात है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स होंगे वो इनके साथ फोटो खिंचाने में इंटरेस्टेड होंगे. तो दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, एक वीडियो मैंने देखा था, मुझे तो वो फेक लग रहा था, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा है. कोई इंटरनेशनल किसी मीट में सारे वर्ल्ड लीडर्स रात को डिनर कर रहे थे, उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी था और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी था और व्लादिमीर पुतिन वगैरह ये सब लोग थे, हमारे मोदी जी भी थे. वो टेबल पे पुतिन जो है ना मज़ेदार कुछ चटकारे वाली बातें कर रहा था इमरान खान के साथ. उनकी जेस्चर से देख के लग रहा था कि कुछ ना काम की बातें कर रहे हैं या कुछ कुछ तो मतलब उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था. और सारे लीडर्स आपस में बातें कर रहे थे, बेचारे हमारे मोदी जी वहाँ पे चुप बैठे हुए थे. पता है उसका रीज़न क्या है? अगर वो वीडियो फेक नहीं है तो उसका रीज़न ये है कि उनको डर लग रहा था वर्ल्ड लीडर्स को कि अभी जाके मोदी जी से खाने के टाइम पे अगर बात कर ली और इन्होंने गणित सुनाना शुरू कर दिया तो ये ढूंढते रह जाएंगे कि ये एक्स्ट्रा 2AB आया कहाँ से. इसलिए सब डर के मारे उनसे बात नहीं कर रहे थे. ये नहीं है कि उनसे बात करना नहीं चाहता. जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा होता है ना उससे लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं कि कब ये मतलब कुछ ऐसी बात बोलते जो हमें समझ में ही ना आए और हम बेवकूफ़ नजर आए इनके सामने. और वैसे भी जहाँ तक फोटो की बात है, आप इंजेक्शन लगवाने जाओ कोविड का, इंजेक्शन के फार्म पे भी किसी साइंटिस्ट का फोटो नहीं है जिसने कोविड बनाया है, कोई टीम की कोविड वैक्सीन बनाया. सॉरी मेरी जबान से जब मोदी जी की बात आती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट है तो मेरे मुँह से कुछ और निकल जाता है. तो मैं कह रहा था कि किसी साइंटिस्ट जिसने कोविड वायरस का जो वैक्सीनेशन बनाया है उसका जो है उसका फोटो नहीं है. आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो इंजेक्शन लगवाओ और देखो जो आपको वो मिलता है ना सर्टिफिकेट उसमें किसका फोटो लगा हुआ है. और अभी रुक जाओ कुछ दिन, नोट भी बचे हुए हैं, अभी नोटों पे भी फोटो आएगी. दोस्तों बातें करने को तो बहुत हैं लेकिन कुछ बीच बीच में ऐसी बातें आती हैं कि जिन पे समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें. आप सबने देखा होगा छोटे बच्चे आसिफ को मंदिर में पानी पीने जाने के बाद उसको कैसे मारा गया. तो अब मुझे लगता है कि उस छोटे से मासूम बच्चे, प्यासे बच्चे की ठुकाई करने के बाद अब लगता है हम ये कह सकते हैं कि फाइनली ये बोला जा सकता है कि अब हिंदू थोड़ा थोड़ा खतरे से बाहर आ रहा है. ये छोटे छोटे बच्चों को कूट कूट के थोड़ा से खतरे से बाहर आ रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बिल्कुल ही खतरे से बाहर हो जाएगा हिंदू. उस दिन क्या होगा आप देख लेना. दोस्तों बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बंगाल अपने आप में आपको पता है अपने आप में कोई अपने आप को तुखम चीज़ समझता है कि कोई भी आपको मतलब इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर है. लेकिन इस इलेक्शन ने बंगाल के भी घुटने टिका दिए हैं. मतलब उसने भी उसको उसी लेवल पे लेके आ गया है जहाँ पे समूचा हिंदुस्तान है, जो बंगाल जो समझता है. एटलीस्ट ममता बनर्जी व्हीलचेयर पे आ गई है, मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैं कोबरा हूँ, खंबा जो है वो एक गवाह है ममता बनर्जी की चोट लगने में. टीवी न्यूज़ चैनल ने बोला है कि इसका तीसरा गवाह है. उन्होंने तीन बताया, एक तो आई विटनेस है, एक कोई प्रत्यक्षदर्शी कोई और है और तीसरा है एक खंबा. तो वो ये सब बंगाल के इलेक्शन में हो रहा है. और दोस्तों क्योंकि प्रोग्राम का नाम है भारत एक मौज, तो सबसे बड़ी मौज तो आपको बतानी पड़ेगी. नीता अंबानी को तो आप जानते ही होंगे, क्यों नहीं जानोगे, फर्स्ट लेडी जो है हमारी. नीता अंबानी ने मतलब अभी ये पता चला है कि BHU में नीता अंबानी अब विजिटिंग प्रोफेसर रहेंगी. क्या पढ़ाएंगी? मैंने तो सुना है वो वुमेन स्टडीज़ पढ़ाएंगी. वो अब नीता अंबानी जी शायद पहले मॉड्यूल में ये सिखाएं कि हाउ टू हैव अ बिग फैट अगली इंडियन वेडिंग जिसमें बॉलीवुड वालों को बुला के खाना कैसे उनसे सर्व करवाया जाए और उसके थ्रू कैसे वो भद्दे भद्दे से ड्रेस पहन के उनको नचवाया जाए. और वो इतना भयंकर जो पूरा सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट किया था उन्होंने अपनी शादी में, वैसा ही सिखाएंगी जाके विमेन स्टडीज़ के अंदर BHU के अंदर. तो BHU की लड़कियों तैयार हो जाओ आज़ाद होने के लिए, उन्मुक्त होने के लिए, क्योंकि आ रही हैं आपकी अपनी प्यारी नीता अंबानी. तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज. उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं पका, जितना मैं बोर हुआ इनको करते हुए, उतना ही आप भी पकोगे, उतना ही बोर होगे उनको देखते हुए और फिर सोचोगे कि कहाँ गई हमारी मौजें. और जब आप ये सोचोगे तो सोचोगे कहाँ गया हमारा भारत और फिर सोचोगे कहाँ गई हमारे भारत की मौजें. सोचते रहिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है. रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल,
ज्ञान में खोट न आए, भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, पर काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। अरे